स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से हरिद्वार, और इस समय मैं अपनी स्कूटी से ट्रैवल कर रहा हूँ, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में, आपको मैं पूरा रास्ता कवर करके दिखाऊंगा कि दिल्ली से हरिद्वार आप कैसे पहुँच सकते हैं बाई रोड। इस वक्त मैं अक्षरधाम फ्लाई ओवर के पास हूँ, आपको दिख रहा होगा अक्षरधाम मंदिर यहाँ पर, और ये कुछ ऐसा है यहाँ से। और ये हाईवे है मेरठ हाईवे, तो अभी हमें इसी से चलना है। आइए चलते हैं आगे। फ्रेंड्स अभी हैं हम लोग हैं मेरठ रोड पे, और अभी हम यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे और इस जो नहर है इसके साथ साथ रास्ता जा रहा है, उस रास्ते पर चलेंगे। अभी इसको गंग नहर बोलते हैं। रास्ते पे 80 किलोमीटर चलना होगा। रास्ता तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, ट्रैफिक भी नहीं है।
फ्रेंड्स, फाइनली अभी 110 किलोमीटर के बाद मैंने एक ब्रेक लिया है चाय पीने के लिए, और यहाँ पे हैंडपम्प भी है जहाँ से मैंने मुँह हाथ धोया है, और ये ढाबा है। इस रास्ते से भी हम लोग आए हैं और अभी इधर जाना है। तो यहाँ पे कुछ खेत वगैरह भी हैं रोड के साइड में, अपनी चाय भी आ गई है यहाँ पे। चलिए फिर मिलते हैं आगे। फ्रेंड्स, अभी हम रुड़की पहुंचने वाले हैं, करीब 7-8 किलोमीटर और रह गया है। फाइनली जाके ये नहर वाला रास्ता ख़त्म हुआ है और अभी हम लोग दिल्ली हरिद्वार हाईवे पे चढ़ने वाले हैं। सामने से राइट होके ये हाईवे है और अब जाके हम तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंगलोर, मंगलोर होते हुए निकल रहे हैं हरिद्वार। फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग अभी हरिद्वार में एंटर कर चुके हैं और अभी पेट्रोल पंप ढूंढते हैं यहाँ पे, क्योंकि रिजर्व में लग चुकी है गाड़ी। यहाँ से कुछ 900 मीटर पे दिखा रहे हैं कि पेट्रोल पंप है, तो वहीं चलते हैं। दिल्ली से निकलते टाइम पेट्रोल फुल करवाया था और यहाँ पे जाके रिटर्न लगाया। अब यहाँ से मुड़ना है राइट। बज रहे हैं करीब 9:30 और अभी मैं अपने हॉस्टल पहुंच चुका हूं। आप यहां पे देख सकते हैं ये डोरमेट्री है, कुछ ऐसा एक कमरा है जिसमें 6 बेड हैं और ये मुझे करीब 300 रुपये में पड़ा। होटल का नाम मैं अभी आपको नीचे चल के दिखा दूंगा।
क्योंकि मैंने होटल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो अभी मैं चल रहा हूँ हर की पौड़ी। आइए चलते हैं। पहले यहाँ पे जूते रखवा देते हैं, फिर चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, ये था हमारा दिल्ली से हरिद्वार का सफ़र। कल रात को मैं वीडियो एंड नहीं कर पाया था क्योंकि मैं हड़की पौड़ी से अपने हॉस्टल थोड़ा लेट पहुंचा था और थक भी गया था काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए अभी ये मॉर्निंग में एंड कर रहा हूँ। इस समय टाइम हो रखा है करीब 10:45 का और अब मैं यहाँ से वापस दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सफ़र अच्छा लगा होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको इंस्टा आईडी यहाँ पे शो हो रही होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, इसी तरह से बने रहिएगा चैनल पर और आपको आने वाले समय में और भी अच्छी वीडियो मैं यहाँ पर देता रहूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।